रावण के पूर्व के राक्षसों के विषय में आइए जानते हैं। श्री राम का राज अयोध्या में स्थापित हो गया तो एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में समस्त प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे। महोदर परस्त विरूपाक्ष भी कम वीर नहीं थे। फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे जो उन्हें उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीय था, इसलिए ऋषियों नागों राजसियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थी। उन कन्याओं की उपस्थिति के कारण उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से जो कन्या यहां मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। से सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजसी त्रिनबिंदु की कन्या साप की बात से अनभिज्ञ होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि से दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। त्रिनबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वरूपा का जन्म हुआ जो अपने पिता के समान वैदिक और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वरूपा से कर दिया। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ, वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका रक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बंट गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया जिससे उसके विधुकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विधुकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान सुमाली और माली नामक तीन पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। मल्यवान के ब्रज मुष्टि विरूपाक्ष दुर्मुख सुप्तधन यज्ञकोप मत और उन्मक्त नामक सात पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त अकंपन विकट कालिका मुख धूम्राक्ष दंड सुप्राक्ष प्रधन प्रधस एवं
भारकर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाली नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूँगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रोध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज स्थापित हो गया। राक्षसों का विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्ति करो। वही पुत्र का राक्षसों के देवताओं से रक्षा कर सकता है। आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।